हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमन, प्राइमरी टीचर ऑफ एलपीएस। आज का मेरा टॉपिक है वाज और वर। वाज और वर को हम पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं, जैसे हम इज एम आर को यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए, उसी तरीके से वाज और वर को यूज किया जाता है पास्ट टेंस के लिए। तो आपके साथ मैं एग्जांपल शेयर करती हूँ, जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, तो इसको मैं पास्ट टेंस के लिए यूज करूंगी, तो आई वाज हैप्पी, मैं खुश थी। वाज और वर को अलग अलग यूज किया जाता है, जैसे वाज को किसके साथ यूज किया जाता है, ही शी आई इट सिंगुलर, यानी कि किसी सिंगल नेम के साथ। और वर्क को देखते हैं हम, वर्क किसके साथ यूज होता है, वी यू दे प्लूरल, यानी कि एक से ज्यादा नाम हो उनके साथ यूज किया जाता है। तो आपके साथ मैं कुछ एग्जांपल शेयर करूंगी, जैसे आई का, जैसे आई वाज हैप्पी, मैं खुश थी, यानी कि वो जा रही थी, तो शी वाज गोइंग। तो किसी सिंगल नेम के साथ हम यूज करते हैं, तो राम दिल्ली में था, तो राम, राम सिंगल नेम है तो सिंगुलर के साथ आएगा वाज, तो राम वाज इन दिल्ली। अब हम यूज करते हैं वर्ब वाले कुछ, जैसे वी के साथ है, हम बिजी थे, वी वर बिजी। यू के साथ, जैसे यू के साथ कुछ भी, जैसे यू आर बिजी, यू वर बिजी, तुम बिजी थे। और किसी प्लूरल नेम के साथ, यानी कि एक से ज्यादा नाम हो उनके साथ यूज करना, जैसे मैंने यहां सिंगुलर राम किया तो दो नाम लूंगी तो वर आ जाएगा, जैसे राम एंड श्याम, दो नेम है तो प्लूरल है तो क्या आ जाएगा वर, राम एंड श्याम, जैसे वर सॉरी इन दिल्ली। ये कुछ एग्जांपल थे वाज और वर, इनको वाज और वर को पास्ट टेंस के लिए यूज किया जाता है। थैंक यू।